चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो चाहे माता पिता हो बच्चे हो कोई भी हो ऑफिस में आप काम करते हैं कुछ कुछ भी कर रहे हैं मुझे सबको शांति प्यार खुशी से जैसे व्यवहार करना उनसे लेना है इनको तो अभी क्या हो गया विस्तार साल में आ गया देह देवान देह के संबंध संपर्क देह के पदार्थ देह के स्वभाव संस्कार से जो मेरा विस्तार फैला हुआ था बंधुति फैली हुई थी वो निकल के विस्तार से साल में आ गया साल में मैं तो आता हूँ मैं तो उसकी संतान हूँ मेरे सब संबंध उनके साथ है और ये जो कुछ हो रहा है ना यहाँ नीचे जो भी हुआ है अच्छा हुआ कर्मों का साथ दिखा रहा अभी जो हो रहा है मैं बाबा के साथ हूँ बाबा की गोद में बैठा एक एक संबंध से उसकी अनुभूति अनुभूति कर माँ का संबंध बाप का संबंध टीचर का संबंध सदगुरु का संबंध तीन संबंधों को भी याद करते हैं बाप के रूप में तो बाबा अनुभूति मैत्री बनाते बाबा को ज्ञान का तीसरा व्यक्ति बोल रहा टीचर के रूप में मैं त्रिकालदर्शी बना मतलब तीनों लोगों का तीनों वाशिष्ठ के आगे बदन का ज्ञान दे आपको स्वदर्शी चक्रधारी बना और सतगुरु के रूप में आपको त्रिलोक की नाल बना हमें गति सदगति मतलब मुक्ति जीवन मुक्ति हमारे मन बुद्धि संस्कार को इतना पवित्र बना दे रहा है बाबा सतगुरु के रूप में हमें वरदान शक्तियों से भर रहा है कि हम जब चाहे चाहे सूक्ष्म तत्व में पहुंच जाए जब चाहे परम धाम में पहुंच जाए और जब चाहे सचिव धाम में हमारा जो मल्टीपल एंट्री वीजा है हमें तो रोकने वाला नहीं है सुना तो ऐसा बाबा हमको बना रहा तो त्रिनेत्री त्रिकादर्शी त्रिलोकी नाथ ये तीन बाप पिता सतगुरु के हिसाब से तीनों संबंध है तो ऐसा जब हमारे अंदर पैदा हो जाएगा ये भाव अंदर पैदा हो जाएगा एक एक समय हम अनुभव करते रहेंगे तो हमारा विस्तार साल में आता है पहाड़ जैसी बात में क्या बनेगा राई बनती नहीं बने पहाड़ राई नहीं बने और जब पहाड़ राई बनेगा तो समेटिंग शक्ति आ जाएगी समेटिंग शक्ति माना तब मन बुद्धि को समेट के हम बिंदी बिंदी आत्मा बन करके परम धाम में बिंदी बाप के साथ कनेक्शन उसके साथ कंबाइन परम धाम में करंट आने लगेगा आत्मा को बैटरी चार्ज होने लगेगी आत्मा को बैटर फील होगा चार्ज होना और मेरे को रियलाइज होने लगेगा अनुभव होने लगेगा